गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? तो आज आपणे धोरण 8 ની અંદર વિષય હિન્દી 7 પાઠ હાર કી જીત, इसके लेखक का नाम है सुदर्शन, वो एक कहानी है। तो मित्रों, आज हम हार की जीत कहानी के बारे में देखेंगे। उस कहानी में सुदर्शन का जन्म सन 1890 और उसका निधन सन 1968 में हुआ था। सुदर्शन का पूरा नाम है बद्रीनाथ शर्मा। उन्होंने कई उपन्यास, कहानी, नाटक लिखे हैं। इसमें से एक कहानी मेरा है, इसका नाम है हार की जीत। तो आज हम देखेंगे कि इस कहानी में सुदर्शन जी ने क्या लिखा है। बुरे से बुरे व्यक्ति से भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है कि एक साधु को धोखे से उसने एक साधु को धोखे से एक डाकू ने उसका घोड़ा छीन लिया और वह वापस लेकर आता है। उस कहानी में उस डाकू का हृदय परिवर्तन हुआ है, उसको पश्चाताप हुआ और इस कहानी में सुदर्शन जी ने विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव आदि गुणों को यानी कि मूल्य को यहाँ उजागर किया गया है। तो पहले हम इस कहानी का कथा सारांश करेंगे। बाबा भारती एक साधु थे, संत महात्मा थे और वह एक मंदिर में रहते थे और उसके पास एक कुटीर थी, उसमें उसका घोड़ा था। बाबा भारती हर रोज सुबह ठंडे पानी से स्नान करके वह मंदिर में जाते और भजन कीर्तन करते थे। भजन कीर्तन करते के बाद उसके पास जो बचा कुचा समय था वह अपना समय घोड़े के पास बिताते थे। बाबा भारती एक नेक इंसान थे। उन्होंने कई मनुष्यों को अच्छी सलाह दी है। बाबा भारती ने एक दिन मंदिर में बैठे थे, तभी अचानक एक डाकू मंदिर में प्रवेश आया और उन्होंने कहा कि आपका मुझे काम है। और उन्होंने बताया कि क्या काम है, बताओ। तो डाकू ने साधु महाराज को वंदन करते हुए लेकिन नमस्कार करते हुए कहा कि बाबा, मैं आपका घोड़ा देखने के लिए आया हूँ। प्रणाम करके उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलिए। और वह कभी नहीं गया और वहाँ देखा तो घोड़े ने घोड़ा था और घोड़ा का नाम था सुल्तान। बाबा भारती ने उसको प्यार से सुल्तान नाम रखा था। बाबा भारती का घोड़ा देखते ही उस डाकू का दिल में उस घोड़े को ले जाने की चाह जागी, उस तीव्र इच्छा
है, उसके पास आदमी है और बल है, सेना है, सैन्य है, मेरा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? उन्होंने सोचा कि वह और कुछ सोचते सोचते ही रहे और एक दिन उसने घोड़े सवारी करके वह 8-10 चक्कर मिली का अंतर काटकर वह रास्ते में आता था। कभी एक अपाहिज उसके सामने से आ रहा था और वह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, बाबा मेरी मदद कीजिए, मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ, मैं गरीब हूँ, कंगाल हूँ। इस तरह वह चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा। बाबा को दया आई उस भिखारी पर और उन्होंने कहा, क्या काम है मेरा, बोलिए। तो उस भिखारी के रूप में वह खड़क सी डाकू था और उन्होंने कहा कि बाबा भारती आप इस घोड़े को लेकर मेरे भाई के घर आओगे, क्योंकि मेरा पैर में कुछ दर्द है, इसलिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ, और आप उस घोड़े पर मुझे बिठाएंगे और उस तक पहुँचा देंगे तो आपका उपकार है मेरे पर। वह बात को सुनकर कहने लगा कि चलो ये बैठो, ये था तुम्हारा ये घोड़ा, उस पर बैठ जाओ, मैं आपके भाई के घर तक छोड़कर वापस आऊंगा। वह गया घोड़े को लेकर उसके भाई के घर के यहाँ जाने के लिए। तुरंत घोड़ा खड़ा था, उस पर खड़क सी डाकू यानी कि अपाहिज था, वो बैठ गया। बाबा भारती को पता नहीं था कि अपाहिज था वह, खड़क से डाकू ही था, वह वेश बदल कर आया था, इसीलिए उसको पता नहीं चला। घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा, लगाम बाबा भारती के हाथ में थी और घोड़ा धीरे धीरे चलता था। अचानक अपाहिज ने बाबा भारती के हाथ में से लगाम जोरों से खींच ली और घोड़ा कई तीव्र गति से घोड़ों को लगाम खींच कर घोड़ों को दौड़ाया और वह घोड़ा बहुत दूर ही बाबा भारती से बहुत दूर चला गया। उसी वक्त बाबा भारती सोचने लगे कि वह तो अपंग था, अपाहिज था, और वह घोड़ा कितना तेजी से दौड़ा रहा है, अब क्या होगा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वह सोचने लगा कि बाबा भारती ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, वह तो अपंग नहीं है, वह तो हट्टा कट्टा है और किसी तरह घोड़े पर बैठा है, मानो किसी का कुछ भी उसके शरीर में कुछ अपंगतापन महसूस नहीं हो पाता, इस तरह वह जा रहा है और पीछे मुड़कर भी देखता नहीं है। बाबा भारती ने उसको चिल्ला कर बोला, ठहरो ठहरो। तो बाबा भारती की आवाज़ सुनकर वह थोड़ी क्षण ठहर गया और वह देखता ही रहा और वह बोलने लगा कि मैं तुम्हें घोड़ा देने के लिए नहीं रुकना चाहता, फिर भी मैं कहता हूँ कि किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना, उस तरह कि जो मेरा घोड़ा तुम्हें छीन कर मेरे हाथों में से ले लिया है, उसकी बात दूसरे गरीबों के पास तुम्हें इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं है, इस तरह छुपा कर रखनी चाहिए, मैं तुम्हें घोड़ा देने के लिए नहीं करता, फिर भी तुम इस घोड़ा का ख्याल रखना और मेरी तरह उस घोड़े को भी संभाल कर रखना। और वह बाबा भारती वापस लौटता है और वह निराश होकर वापस आते आते मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। इस तरह इस अपाहिज कहानी